नमस्कार, मैं प्रिया। आज 7 नवंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। वैक्सीन लगवाने के लिए अब मिलेगा इनाम। इन 22 पार्कों में अर्घ अर्पित कर सकेंगे श्रद्धालु। छठ पूजा के बाद लौटने के लिए करनी पड़ेगी जेब ढीली। बिहार में जल्द ही डायल 112 करने लगेगा काम। सभी नगर निकाय और 534 प्रखंडों में अब सुधा डेयरी के बूथ खुलेंगे। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। वैक्सीन लगवाने के लिए अब मिलेगा इनाम। बिहार में सरकार की कोशिश है कि चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की मदद से ज्यादा लोगों का टीकाकरण करवा दिया जाए, जिससे कि हर्ड इम्यूनिटी हासिल किया जा सके। लेकिन स्वास्थ्य विभाग और बिहार सरकार के सामने परेशानी ये है कि लोग कोरोना की दो लहर देखने के बाद भी नहीं संभले हैं। इसी को देखते हुए अब पटना का जिला प्रशासन ऐसे लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने के लिए नए ऑफर देने जा रहा है, जिसके तहत बाइक, स्कूटी, स्मार्टफोन और प्रेशर कुकर गिफ्ट के रूप में देने का फैसला लिया गया है। इसको लेकर पटना जिला प्रशासन ने लकी ड्रॉ का आयोजन किया है, बशर्ते प्रतिभागी को 8 नवंबर से 26 नवंबर के बीच कोरोना की दूसरी डोज लेकर लकी ड्रॉ में शामिल होना होगा, जिसके बाद 28 नवंबर 2021 को लकी ड्रॉ का परिणाम घोषित किया जाएगा। के जन्मस्थान में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। भगवान राम की पत्नी सीता की जन्मस्थली होने के नाते सीतामढ़ी शहर बिहार का एक महत्वपूर्ण गंतव्य है। बिहार का ये शहर तीर्थ स्थल होने के साथ साथ एक ऐतिहासिक स्थल भी है। इन्हीं वजह से ये जगह बिहार में घूमने के लिए एक दिलचस्प जगह हो सकती है। इस शहर में एक 100 साल पुराना मंदिर है, जिसे जानकी मंदिर कहा जाता है। माना जाता है कि ये ऐसी जगह है जहां सीता का जन्म हुआ था। इसके साथ ही यहां मौर्य काल का बना हुआ एक रॉक कट अभयारण्य भी है, जो कि यहां का मुख्य आकर्षण है। सीतामढ़ी हिंदू भक्तों और इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए एक उत्तम स्थान है। ऐतिहासिक शौकीन रखने वाले लोग इस जगह का अधिक आनंद ले सकेंगे। आईओसीएल ने 527 पदों पर निकाली बहाली। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अहम सूचना। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट iocl.com पर एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ट्रेड अप्रेंटिस NCVT SCVT द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित पूर्णकालिक ITI पाठ्यक्रम के साथ मैट्रिक पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। वहीं ट्रेड अप्रेंटिस डेटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए 12वीं पास योग्यता के साथ नॉन ग्रेजुएट अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। इच्छुक उम्मीदवार iocl.formflix.com पर जाकर 4 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद 9 दिसंबर को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। वहीं 19 दिसंबर को परीक्षा आयोजित की जाएगी। बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे इंदु सोनाली की। इंदु सोनाली का जन्म बिहार के भागलपुर जिले में आज ही के दिन साल 1978 को हुआ था। इंदु सोनाली एक भारतीय फिल्म पार्श्व गायिका है, जिन्हें भोजपुरी के आइटम गीतों में गाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने 300 भोजपुरी फिल्मों और 50 संगीत वीडियो एल्बमों के लिए गाया है और उन्हें भोजपुरी फिल्म उद्योग के शीर्ष पार्श्व गायकों में से एक माना जाता है। उनकी संगीत शैली भारतीय शास्त्रीय संगीत, परिवेश इलेक्ट्रॉनिक और नए युग के जैज फ्यूजन के कुछ अंशों के साथ आदिम निकलोक है। छठ पूजा के बाद लौटने के लिए करनी पड़ेगी जेब ढीली। बिहार में छठ पूजा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी बीच दूसरे राज्यों में रहने वाले भी अब बिहार की तरफ कूच करने लगे हैं, जिसके लिए जिन लोगों ने पहले से टिकट करवा लिया था उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने एन मौके पर टिकट करवाया है और जाने का टिकट जाते वक्त कटवाने की सोच रहे हैं, तो आप अपनी जेब ढीली करने के लिए तैयार रहे, क्योंकि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलुरु का किराया बेस प्राइस से 2-3 गुना लिया जा रहा है, जिसके तहत मुंबई के लिए लगभग 9-10 हजार, दिल्ली के लिए लगभग 5200-5700, कोलकाता के लिए लगभग 5200-6400, बेंगलुरु के लिए लगभग 7500, चेन्नई के लिए लगभग 7100, हैदराबाद के लिए लगभग 7900 से लेकर 9500, अहमदाबाद के लिए 10000 रुपए के आसपास किराया वसूला जा रहा है। बिहार में जल्द ही डायल 112 करने लगेगा काम। अब तक आपातकालीन सेवा के लिए आप 100 नंबर डायल करते होंगे, लेकिन जल्द ही आप 100 की जगह पर 112 डायल करेंगे, क्योंकि जल्द ही 112 पूरी तरीके से काम करने लगेगा। इसको लेकर बिहार में तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। वहीं मिली जानकारी के अनुसार इसका काम अंतिम चरण में चल रहा है। हालांकि जब तक 112 नंबर प्रभावी नहीं हो जाता, तब तक आपातकालीन सेवाओं के लिए आपको 100 ही डायल करना होगा। इसको लेकर एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने सारी जानकारी साझा कर दी है और उन्होंने बताया है कि बिहार में अभी डायल 100 पर अगर कोई व्यक्ति फोन करता है तो ये नंबर कंट्रोल रूम को जाती है। कंट्रोल रूम से संबंधित थाने को सूचित किया जाता है, लेकिन डायल 112 के काम करने के बाद इसकी अपनी टीम होगी जो सीधे मौके पर पहुंचेगी। इसमें कम समय में ही पुलिस द्वारा रिस्पॉन्स दिया जाएगा।
सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में होंगे 114 तो 10वीं में 75 विषय की परीक्षा। सीबीएसई से 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए अहम सूचना। बीते दिन सीबीएसई की तरफ से छात्रों के हित में जारी अधिसूचना में ये बताया गया है कि बोर्ड 12वीं में 114 विषय और जबकि 10वीं में 75 विषयों की पेशकश करता है, जिसके तहत अगर सीबीएसई ने सभी विषयों की परीक्षा का आयोजन करवाने का बेड़ा उठाया तो परीक्षा का आयोजन करवाने में 45 से 50 दिन लगेंगे, जिसको देखते हुए ही सीबीएसई ने देश और विदेश में सभी संबंध स्कूलों में डेट शीट तय करके निम्नलिखित विषयों की परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया है। परीक्षा 90 मिनट की अवधि की होगी। अगर इसमें कोई बदलाव होता है तो वो पाठ्यक्रम के अनुसार होगा। इस कारण से अब बिहार में भी बढ़ेगी ठंड। बिहार के सभी हिस्से में अब ठंड का प्रभाव देखने को मिलने लगा है, जिसके तहत शुष्क मौसम के बीच 7 से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम और उत्तर पश्चिम हवा का प्रवाह हो रहा है, जिसके कारण दिन के साथ साथ रात के तापमान में भी गिरावट देखने की संभावना है। बिहार के अधिकतर जिलों में धुंध के साथ धूप हो रही है, उससे धूप में तेजी कम दिख रही है। गया सबसे ठंडा और अररिया अभी भी सबसे गर्म है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिनों में मौसम में और भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मौसम में हो रहे परिवर्तन को लेकर जो पूर्वानुमान है उसके मुताबिक मौसम के जानकारों का कहना है कि आने वाले समय में ठंड बढ़ने वाली है। पूर्वानुमान है कि आने वाले सप्ताह में ठंड बढ़ सकती है, जिससे छठ पर्व पर ठंड का एहसास होगा। सुबह के अर्घ के दौरान 11 नवंबर को मौसम ठंडा रहेगा। पूजा को लेकर 5 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का शुरू हुआ परिचालन। आगामी छठ पूजा को लेकर बिहार से बाहर रहने वाले लोगों का बिहार आगमन शुरू हो गया है, जिसके कारण ट्रेनों में यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि अब यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने 5 नए फेस्टिवल ट्रेन की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत लखनऊ दरभंगा लखनऊ हावड़ा जम्मू तवी और सिकंदराबाद बलिया सिकंदराबाद रूट पर 5 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का परिचालन होने वाला है। नगर निकाय और 534 प्रखंडों में अब सुधा डेयरी के बूथ खुलेंगे। बिहारवासियों के लिए पैसे कमाने का शानदार मौका है, क्योंकि अब बिहारवासी हर महीने लाखों की कमाई कर सकते हैं। बिहार सरकार ने इसको लेकर सुधा डेयरी प्रोजेक्ट को एक बार फिर रफ्तार देने की पहल शुरू की है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार ने कम्फेड के माध्यम से इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। सरकार ने इसको लेकर राज्य के हर कोने में सुधा के दूध और अन्य उत्पादों की बिक्री करने के मकसद से बूथों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है। सरकार के फैसले के अनुसार बिहार के सभी नगर निकाय और 534 प्रखंडों में अब सुधा डेयरी के बूथ खुलेंगे। इस लिहाज से देखा जाए तो अगले 4 सालों में बिहार में 600 सुधा डेयरी के बूथ खुलेंगे। यात्रा की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा बलों की हुई तैनाती। पूजा के दौरान देश के विभिन्न स्टेशनों से पहले मध्य रेल क्षेत्राधिकार में आने जाने वाले यात्रियों की सहूलियत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने अहम कदम उठाया है, जिसके तहत नई दिल्ली मुंबई अहमदाबाद सिकंदराबाद पुणे आदि स्टेशनों से पूर्व मध्य रेल के विभिन्न स्टेशनों के मध्य फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। भीड़ को देखते हुए यात्री सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक ना हो, इसके लिए स्टेशन पर रेल सुरक्षा बल निरंतर चौकसी बरत रहे। प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों के लिए होल्डिंग एरिया बनाया गया है, साथ ही ट्रेन के आवागमन की जानकारी सहज उपलब्ध हो सके इसके लिए स्टेशनों पर निरंतर उद्घोषणा की जा रही है। साथ ही यात्री सुरक्षा को देखते हुए मुख्य स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे से रेल सुरक्षा बलों द्वारा 24 घंटे गहन निगरानी भी की जा रही है। बिहार के 29 जिलों में आयोजित होगा बाल दरबार। यूनिसेफ बिहार की कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट निपुण गुप्ता की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार समाज कल्याण विभाग और यूनिसेफ बिहार के गया पटना पूर्णिया पूर्वी चंपारण दरभंगा शेखपुरा सहित 29 जिलों में बच्चों के लिए बाल दरबार हमारा दरबार आयोजित करने जा रही है, जिसका आयोजन बाल अधिकार सप्ताह के दौरान किया जाएगा, जो कि 14 नवंबर से 20 नवंबर तक किया जाना है। खास बात यह है कि बाल दरबार में राज्य के सभी 34 बाल बालिका गृहों से भी बच्चे बच्चियां शामिल होंगे। ज्ञात हो बाल दरबार के आयोजन से बच्चे किशोर और किशोरियां खुद से जुड़े मुद्दे पर अपनी राय और सुझाव अभिव्यक्त कर सकेंगे। सरकार की परेशानी बढ़ाएंगे सचिवालय के कर्मचारी। सचिवालय के कर्मचारी लंबे अरसे के बाद सड़क पर उतर आए हैं। मिली जानकारी के अनुसार इन कर्मचारियों की मुख्य मांग पदनाम में परिवर्तन की है। उनकी मांग है कि सचिवालय सहायकों का पदनाम बदलकर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी किया जाए, जो कि अब तक नहीं हो पाया है। 2 अक्टूबर को उपवास के जरिए आंदोलन की सांकेतिक शुरुआत हुई थी, जिसके बाद 23 से 26 नवंबर तक मुख्य सचिवालय में मानव श्रृंखला बनाकर आंदोलन का दूसरा चरण शुरू होगा। इसको लेकर बिहार सचिवालय सेवा संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार और महासचिव प्रशांत कुमार ने बताया कि मानव श्रृंखला बनाने के बाद भी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। पान के पत्ते से बनेगा औषधीय तेल। बिहार में पान खाने वालों की संख्या जाननी हो तो शाम ढलते ढलते गली नुक्कड़ के पान दुकान पर जाकर देखिए। पान के शौकीनों की संख्या का अंदाजा आपको भी मिल जाएगा, लेकिन अब बिहार में जल्द ही पान से तेल निकालने की इकाई भी लगने वाली है।
इतना ही नहीं, अब पान की खेती शेड नेट में करने की व्यवस्था भी होने जा रही है, जो कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय के नालंदा जिले के इस्माइलपुर स्थित पान अनुसंधान केंद्र में होने वाला है। राज्य सरकार ने दोनों व्यवस्था के लिए राशि BAU को दे दी है। शेड नेट से खेती का प्रदर्शन सरकारी खर्चे पर पान उत्पादक जिलों में भी होगा। सरकार की योजना के अनुसार अगर यह प्रयोग सफल हुआ तो सभी जिलों में पान उत्पादकों को शेड नेट अनुदानित दर पर दिया जाएगा। साथ ही पान से तेल निकालने की छोटी इकाइयां भी किसानों को दी जाएगी। इन 22 पार्कों में अर्घ अर्पित कर सकेंगे श्रद्धालु। छठ का त्यौहार सोमवार से शुरू होने वाला है। हालांकि छठ व्रतियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए पटना के चिड़ियाघर समेत 22 पार्कों में अर्घ अर्पित करने की व्यवस्था की गई है, जिसमें पुनाई चौक पार्क, राजवंशी नगर, शिवाजी पार्क कंकड़बाग, रामसुंदर दास पार्क कंकड़बाग, शहीद किशोर कुणाल पार्क कंकड़बाग, के सेक्टर पार्क हनुमान नगर, जनता फ्लैट पार्क कंकड़बाग, G22 पार्क कंकड़बाग, डॉक्टर्स कॉलोनी G9 पार्क कंकड़बाग, डिफेंस कॉलोनी पार्क कंकड़बाग, बी हाउसिंग पार्क बहादुर हाउसिंग कॉलोनी पार्क, सेक्टर 8 पार्क नंबर 1 भूतनाथ रोड, भवर पोखर पार्क, खेतान सुपरमार्केट सब्जी बाग, राजेंद्र नगर 4/5 पार्क, श्रीनगर पार्क नंबर 2, CID कॉलोनी पार्क, शास्त्री नगर, बैंक ऑफ इंडिया पार्क आशियाना नगर, पुलिस कॉलोनी C2 पार्क अनीसाबाद, पुलिस कॉलोनी सेक्टर D पार्क अनीसाबाद, शिवपुरी पार्क चितकोहरा, मैकडोवल पार्क राजेंद्र नगर के नाम शामिल हैं। उपराष्ट्रपति M.वेंकैया नायडू। राष्ट्रपति के बिहार आगमन के बाद अब उपराष्ट्रपति M.वेंकैया नायडू 2 दिवसीय दौरे पर बीते दिन बिहार पहुंच गए हैं, जिसके बाद अब वो तय कार्यक्रम के अनुसार आज अलग अलग जगह पर जाएंगे। इस दौरान वो मोतिहारी के कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनेंगे, फिर नालंदा भी जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, वेंकैया नायडू के इस कार्यक्रम में CM नीतीश कुमार भी शामिल रहेंगे। वहीं बीते दिन जब उपराष्ट्रपति बिहार पहुंचे तो वो सीधा विमान से उतरकर राजभवन गए, जहां उन्होंने रात्रि विश्राम किया और अब आज वो मोतिहारी के पीपराकोठी और नालंदा का दौरा करेंगे। उनके आगमन को लेकर बिहार में तमाम सुरक्षा इंतजाम भी कर दिए गए हैं। ललन सिंह ने किया साफ, शराबबंदी नहीं होगी खत्म। इन दिनों बिहार में शराबबंदी का मामला गरमाया हुआ है, क्योंकि अब तक कई ऐसी खबरें सामने आई है जिसमें खराब शराब के कारण कई लोगों की जान चली गई है, जिसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार भी अपने फैसले पर अड़ी है, जिसका अंदाजा आप ललन सिंह के बयान से ही लगा सकते हैं। क्योंकि विपक्ष के लगातार हमलों के बीच बीते दिन मीडिया से बातचीत के दौरान ललन सिंह ने साफ कहा है कि बिहार में शराबबंदी अभी भी है और आगे भी लागू रहेगी। शराबबंदी कानून होने की वजह से बिहार में शराबियों पर नकेल कसी जा सकती है। हालांकि उन्होंने इस दौरान शराबियों पर नकेल कसने की बात कही है। राजद में फिर पड़ी टूट, इन्होंने लालटेन छोड़ थामा तीर का साथ। बिहार विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आने के साथ ही जदयू की तरफ प्रत्याशियों का रुझान बढ़ने लगा है, जिसके बाद से ही दलों में तोड़फोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। इसी कड़ी में बीते दिन राजद के कुम्हरार प्रत्याशी डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार चंद्रवंशी ने अपने हजारों प्रशंसकों के साथ जदयू का दामन थाम लिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में उन्हें जदयू की सदस्यता दिलवाई। इस मौके पर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, चंदेश्वर चंद्रवंशी, श्रवण कुमार समेत जदयू के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राजद नेता डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार चंद्रवंशी पेशे से दांत के डॉक्टर हैं। चुनाव में बिहार में सभी प्रवक्ताओं को किया बाहर। बीते दिन लोजपा के रामविलास खेमे से बड़ी जानकारी निकल करके सामने आई है, जिसके तहत लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने शाम ढलते ढलते अपनी ही पार्टी के सभी प्रवक्ताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया। मिली जानकारी के अनुसार ये प्रवक्ताएं बिहार में शराबबंदी को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ सही से पार्टी का पक्ष नहीं रख पा रहे थे, इसीलिए पार्टी ने इन प्रवक्ताओं को हटाया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि नए प्रवक्ताओं की सूची जल्द ही जारी कर दी जाएगी। इसको लेकर पार्टी की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें सभी हटाए गए पदधारियों के नाम शामिल है। वहीं इस विज्ञप्ति में यह भी बताया गया है कि पार्टी अपने नए प्रवक्ता, पैनलिस्ट और मीडिया प्रभारियों की सूची जल्द ही जारी कर देगी। मुलाकात के साथ ही बिहार में नए राजनीतिक समीकरण के मिलने लगे संकेत। बिहार की राजनीति संभावनाओं के आधार पर टिकी होती है। सत्ता की ताकत बिहार के राजनीतिक दलों में शामिल लोगों की मनोदशा तय करते हैं। ऐसा ही कुछ आने वाले समय में एक बार फिर से देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीते दिन बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा ने CM नीतीश और RCP सिंह से मुलाकात की, जिसके बाद से ही राजनीतिक गलियारे में कई चर्चाएं तुल पकड़ने लगी हैं। शहाबुद्दीन परिवार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा जदयू के कई बड़े नेताओं को एक शुभ आयोजन में शामिल होने का न्योता दिया है। दरअसल इसी महीने की 15 तारीख को शहाबुद्दीन की बेटी डॉक्टर हेरा साहब की शादी है, उसे लेकर ही आमंत्रित करने ओसामा बीते दिन CM आवास पहुंचे थे।
बंदी कैदी 21 महीने बाद नजर भर देख सकेंगे अपनों को। कोरोना के कारण पिछले 21 महीनों से जेलों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फिजिकल मीटिंग पर रोक लगाई गई थी, लेकिन अब 21 महीने बाद जेल में बंद कैदी अपने परिवारजनों से मिल सकेंगे। प्रशासन की तरफ से अब कैदियों को मुलाकात की छूट 2 से 3 दिनों में मिल जाएगी, लेकिन जेल के बाहर मिलने वालों की भीड़ न जमा हो इसके लिए सभी मुलाकातियों को कैदियों से मिलने के लिए पहले ही निबंधन कराने को कहा गया है। फिलहाल 100 लोगों से अधिक मुलाकातियों को जेल के अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर जेल प्रशासन की तरफ से मुलाकाती कक्ष की साफ सफाई भी शुरू करवा दी गई है। वीटीआर में बंद हुआ नौका विहार। इस साल पर्यटकों को नौका विहार का आनंद उठाने का अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि गंडक बराज के जलाशय में पानी की कमी के कारण इस साल नौका विहार शुरू नहीं हो सका है। इससे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आने वाले पर्यटकों को निराशा हाथ लग रही है, क्योंकि बरसात के बाद नदी का जल स्तर नीचे चला गया है। इसके कारण जलाशय में पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी यह पर्यटन सीजन है और ऐसे में यहां हर दिन 2 दर्जन से अधिक सैलानी नौका विहार के लिए पहुंचते हैं। इससे काफी चहल पहल देखने को मिलती थी, लेकिन अब पानी का स्तर कम होने के कारण सन्नाटा पसरा है। नियंत्रण कक्ष के अनुसार बराज में गाद उड़ाही का काम भी चल रहा है, साथ ही फाटकों की मरम्मत भी करवाई जा रही है। यह काम 15 दिसंबर तक चलता रहेगा। इसके बाद नौका विहार के लिए जलाशय में पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1876 में बंगाल के कांतलपाडा नामक गांव में वंदे मातरम गीत की रचना की थी। भारत और आसियान विज्ञान और प्रौद्योगिक के विकास के लिए एक फंड बनाने पर 2006 में आज के दिन सहमत हुए थे। बिहार के जनता दल के लोकसभा सदस्यों ने 2008 में अपने पद से इस्तीफा आज के दिन दिया था। कश्मीर के प्रसिद्ध कवि रहमान राही को 2008 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान आज के दिन किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने 1998 में भारत और पाकिस्तान पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने की घोषणा आज के दिन की थी। दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार भारतीय अभिनेता कमल हसन का जन्म 1954 में आज के दिन हुआ था। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले महान क्रांतिकारी बिपिन चंद्र पाल का जन्म 1858 में आज के दिन हुआ था। मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर का 1862 में निधन आज के दिन हुआ था। भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता और देशभक्त अश्विनी कुमार दत्त का 1923 में निधन आज के दिन हुआ था। आज के दिन को शिशु सुरक्षा दिवस, महान अक्टूबर क्रांति दिवस और कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वीरेंद्र सहवाग ने इन 5 खिलाड़ियों को अगले टी20 विश्व कप के लिए तैयार करने की कही बात। टी20 विश्व कप 2021 में पहले 2 मैच गंवाने के बाद टीम इंडिया ने जोरदार कमबैक किया है। पहले अफगानिस्तान और फिर स्कॉटलैंड को धूल चटाने के साथ ही भारत ने सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को बरकरार रखा है। हालांकि भारत अंतिम 4 में अपनी जगह फिक्स कर पाएगी या नहीं, इसका फैसला न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले मैच में अफगानिस्तान की जीत या हार पर निर्भर है। इस बीच भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने उन 5 युवा खिलाड़ियों के नाम बताए हैं जिनको वीरों के हिसाब से अगले साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले विश्व कप के लिए अभी से ही तैयार किया जाना चाहिए, जिसमें उन्होंने ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, केएल राहुल, ऋतुराज गायकवाड और श्रेयस अय्यर को शामिल किया है। गूगल अकाउंट पर 9 नवंबर से बिना इस काम को किए नहीं कर पाएंगे लॉगिन। इस साल मई में गूगल ने घोषणा की थी कि जिस तरह से उपयोगकर्ता अपने गूगल अकाउंट पर लॉगिन करते हैं वो 2021 के अंत तक बदल जाएगा। तब टेक दिग्गज ने सभी उपयोगकर्ताओं के लिए 2-स्टेप वेरिफिकेशन प्रोसेस को अनिवार्य बनाने के लिए कहा था। 9 नवंबर से सभी गूगल अकाउंट उपयोगकर्ताओं को अपने अकाउंट तक पहुंचने के लिए 2-स्टेप वेरिफिकेशन से गुजरना होगा। ये एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि ये अकाउंट में सुरक्षा की एक एक्स्ट्रा लेयर जोड़ देगा। रिपोर्टों के अनुसार गूगल 2-स्टेप वेरिफिकेशन को सक्षम करने के लिए सभी उपयोगकर्ताओं को ईमेल और इन ऐप वेरिफिकेशन भेज रहा है। मैसेज में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि वेरिफिकेशन प्रोसेस इनेबल नहीं है तो ये 9 नवंबर को ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है राहुल कलवर, मनीष मोहरा, कुमार राहुल, रघुनाथ प्रसाद, भरत प्रसाद, लक्ष्मी मेहता, अर्जुन क्रिएशन, लोकनाथ शाह, सुभाष कुमार, रविन्द्र पासवान, प्रीति एस आचार्य, विकास कुमार सिंह, माही आनंद, नंदन कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में शराबबंदी का फैसला सही है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।